तो आइए दोस्तों, स्वागत है रीडर मैथ्स में। तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मगध यूनिवर्सिटी के सेशन 2017-20 के पार्ट थर्ड के एग्जाम के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों को पार्ट थर्ड एग्जाम को लेकर काफ़ी सारी कन्फ्यूजन थी कि क्या एग्जाम 1 दिसंबर से होगी या नहीं, और एग्जाम होती है तो क्या ऑब्जेक्टिव होगी या सब्जेक्टिव। तो इन सारी समस्याओं का और सारी कन्फ्यूजनों को इस वीडियो में मैं दूर करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारी मिलेगी जो आप लोग चाहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक गया भास्कर का गया संस्करण का पेपर है, जिसमें यहाँ पे नीचे आप देखिए लिखा हुआ है 1 दिसंबर से होगी स्नातक पार्ट थर्ड की एग्जाम। अब चलिए हम इसे बड़ा करते हैं। तो देखिए, बड़ा करने पर क्या दिखाई देता है कि 1 दिसंबर से होगी स्नातक पार्ट थ्री की परीक्षा, और यहाँ पे देखिए ऊपर में ही लिखा गया है 120 मिनट की, जो कि आप लोग रूटिंग में देखे होंगे और बार बार पूछ रहे थे कि रूटिंग में 2 घंटा क्यों दिया गया है। तो देखिए, 120 मिनट में देने होंगे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। देखिए यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, प्रश्नों के जवाब गलत पर निगेटिव अंक नहीं है। और देखिए यहाँ पे अच्छी बात यह है आप लोगों के लिए कि यहाँ पे आप निगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो उसके लिए आपसे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं दी जाएगी, आपकी कोई भी अंक नहीं काटी जाएगी। तो चलिए अब पूरे न्यूज़ को हम पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे, जल्द रिजल्ट को लेकर एमओयू सीट पर ले जाएगी परीक्षा। एमओयू लिखा गया है, बहुत सारे लोग जो है मतलब कि कन्फ्यूजन होगा बहुत सारे लोगों को कि एमओयू क्या है। तो देखिए दोस्तों, ओएमआर सीट आप लोग जानते हैं, तो उसी पे आप लोगों की एग्जाम ली जाएगी। और चलिए देखते हैं आगे क्या कहा गया है। तो देखिए आगे कहा जा रहा है, मगध विश्वविद्यालय स्नातक पार्ट थ्री की परीक्षा 2017-20 की परीक्षा 1 दिसंबर से होगी। परीक्षा का कार्यक्रम विश्वविद्यालय ने जारी कर दिया गया। तो देखिए, परीक्षा का कार्यक्रम जो है मतलब कि एक जो रूटीन है, मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा फेसबुक पेज का, वहां से जाके आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। स्नातक ऑनर्स की परीक्षा देखिए यहाँ पे 10 दिसंबर तक 2 सत्रों में होगी। इसी के साथ पार्ट थ्री की सामान्य पाठ्यक्रम की भी परीक्षा होगी और 11 से 14 दिसंबर तक प्रैक्टिकल की परीक्षा होगी। कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन के कारण विश्वविद्यालय की देखिए यहाँ पे विश्वविद्यालय की बेपटरी हुए सत्र को नियमित करना प्राथमिकता है, इसलिए अब सभी लंबित परीक्षाएं ली जाएगी और निर्धारित अवधि में रिजल्ट जारी होगा। परीक्षा के दौरान मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दी जाएगी। परीक्षा संचालन को लेकर केंद्र सरकार व यूजीसी द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का पालन किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं कि एग्जाम को लेकर क्या क्या किया जाएगा, और यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि 4 ग्रुप व 2 सत्रों में होगी परीक्षा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है नियमित करनी होगी ओएमआर पर परीक्षा, मतलब कि आप लोगों की परीक्षा जो है, देखिए यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है कि ओएमआर सीट पर ले जाएगी। और ओएमआर सीट पर कैसे एग्जाम लिया जाता है, इसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा अगर आप लोग कहते हैं तो। तो चलिए इसमें देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो देखिए आगे लिखा गया है कि प्रश्न मल्टीपल च्वाइस के होंगे, मतलब कि बहुविकल्पिक प्रश्न रहेंगे ताकि जाँच करने में आसानी हो। चलिए बात कर लेते हैं मगध यूनिवर्सिटी के एग्जाम डेट शीट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम डेट शीट जो है, मैं यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप फेसबुक पेज से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और बता दें कि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब अब आप लोगों की एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगी तो मैं जो है यहाँ पे आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, मतलब कि जो जो प्रश्न इम्पोर्टेंट है, उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का एक लिस्ट लेकर आऊँगा और सभी आंसर के साथ में आप लोगों को एग्जाम से पहले कराऊँगा, ताकि आप लोग जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। और हाँ, कभी कभी होता है कि एग्जाम से पहले क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसका आंसर भी मैं यहाँ पे यूट्यूब पे तो नहीं उपलब्ध करा पाऊँगा, लेकिन फेसबुक पेज पे उपलब्ध करा दूंगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग फेसबुक पेज को भी लाइक करके रखें।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।